أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين अल्लाह की तोफ़ी और उसके ख़ास फजल करम से आज हम आयत नंबर 110 सौ दस की आयत नंबर 110 से देखेंगे इनशा जैसा कि पिछली आयत में कल हमने देखा अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो वैसे तो बड़ी चिकनी चुपड़ी और बड़ी अच्छी बातें करते हैं दुनिया के हिसाब से लेकिन दर हकीकत वो झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं और वो ज़मीन में दंगा फसाद और कत्लों वारतगरी और इस तरह के फितना वग़ैरह फैलाने के फैलाने जो है उसमें वो बहुत आगे आगे होते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला से डरो तो उनके तकबर उनका इज़्ज़त उनका तकबर उनका गुरूर उनको नेकी पर अड़े रखता है उनको नेकी पर उनको बुराई पर नेकी पर नहीं बुराई पर उनका तकबर उनका गुरूर उनको उनकी बुराई पर आमादा रखता है और उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान को बेच देते हैं अल्लाह की रजा की खातिर, यानी जो दुनिया का जो जितने भी मालो दौलत और नफ़ा है दुनिया का उन सब को छोड़कर अल्लाह की रजा और उसके रसूल वसल्लम की इतबा के लिए वो हाजिर रहते हैं और फिर एक नहायत अहम बात जो हमें पता चली आयत नंबर 208 में कि अल्लाह कह रहा है कि तुम ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ यानी इस्लाम सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि जाहरी तौर पर बस कलमा पढ़ लिया और नमाजें अदा कर दी जी मुस्ला मुस्तफा साहब कुछ कह रहे हैं आप मुझे आवाज तो नहीं आ रही आपकी नहीं मैं नहीं कुछ कह सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ अच्छा ओके सॉरी जी अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है यहाँ पर कि सब इमा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ यानी ज़ाहरी तौर पर बस दो चार ज़ाहरी तौर पर जो अपनी नफ्स को अच्छे और भले लगे और जो आसान लगे सिर्फ उनको पी कर लेना इस्लाम नहीं बल्कि इस्लाम जो है उसमें तो मेहनत और मशक्क़त भी करनी पड़ती है उसमें तो आ, माल जो है उसको भी खर्च करना पड़ता है उसमें वक्त भी लगाना पड़ता है और उसमें कुछ भी या मुसीबतें जो हैं जाहरी तौर पर मशक्क़तें जो हैं वो भी अपनानी पड़ती हैं तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने के लिए कहा गया और शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी क्योंकि वो खुला दुश्मन है अब इन सारी बातों के बाद इन सारी आयात के बाद आयत नंबर एक सौ दस में क्या कहते हैं हल हलूना नहीं वो इंतज़ार कर रहे इल्ला मगर आ के आ जाए अल्लाह उनके पास मिनल गमामी बादलों के साहबानों में बादलों के साउू में वल वमलाईकत और फरिश्ते वकुजियल अम्रा वज्र और पूरा कर दिया जाए काम पूरा कर दिया जाए अमर वाह तुरजा और अल्लाह की तरफ सारे काम लौटाए जाएंगे लौटाए जाते हैं अब वो जो फासद किस्म के लोग जिनका जिक्र हुआ जो जाहरी तौर पर तो बहुत अच्छे और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं बल्कि आखिरी आयत जो है उसमें जो हुक्म हुआ कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे लोग या उस वक्त की उम्मत में से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे या अब अब भी ऐसे हैं जो जाहरी तौर पर जो थोड़े बहुत आसान तरह के जो अमल हैं उनको करके अपने आप को बस कलमा पड़ा हुआ और इस्लाम और मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे अमाल करने हैं यानी कोई आसान सा तरीका नहीं अपनाना और उसके बरक्स जो फसाद करने वाले और और फितना बर्पा करने वाले वो वो लोग जो हैं क्या वो ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके पास बादल के बादलों के साहिबानों में बादलों की ओट में सामने आ जाए और फरिश्ते हैं वो वो सफ बंद कर सामने खड़े हो जाए यानी क्या के मंजर की यहाँ पर एक आ, एक पेश किया जा रहा है कि क्यामत बर्पा करें। कि इस बात के कर रहे कि क्यामत बर्पा हो जाए। कि क्यामत आने का ही इंतजार कर रहे हैं कि उसके ऊपर अल्लाह है अपना अमर जो है वो वो पूरा कर दे यानी अल्लाह ताला ने जो क्यामत के बारे में जितनी निशानियाँ और जितने क्यामत के बारे में मालूमत दी हुई है अल्लाह ताला उन को पूरा करे और क्यामत जो है वो सामने वाजे कर दे क्या वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं यानी जिंदगी जो उनको मिली हुई है वो उसमें बजाए इसके को करें शबर करें और अल्लाह ताला की तरफ रजू करें उसके बरक्स वो अपनी ही गुमराही और अपनी ही जिद जो है उस पर अड़े हुए हैं तो क्या वो क्यामत आने का इंतजार कर रहे हैं जब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे और फिर वो उनको पछतावा भी शुरू हो जाएगा कि काश के हमने ये सब कुछ ना किया होता तो अल्लाह ताला आखिरी अल्फ, आखिरी अल्फाज साहद के उसमें कह रहा है कि वह उमूर के जितने भी काम हैं वो सब के सब उसी के तरफ लुटाए जाते हैं यानि जो मर्जी कर ले इंसान जितना अच्छा भी कर लेगा अच्छा और जितना बुरा काम है वो सब के सब काम एक पगत उनके सामने खोल कर रख दिए जाएंगे जिनको वो देख कर जिनको वो देखकर उनका इनकार ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे प्रूफ और ऐसे ऐसे वो भी सामने होंगे उनके आयत नंबर एक सौ ग्यारह सल सवाल कीजिए सल सवाल कीजिए या पूछ लीजिए बनी इसराइल बनी इसराइल से ये नबी करीम वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप बनी इसराइल से पूछ लें कम आता ना हम कितनी ही दी हमने उन्हें मिन आयातिन बा मिन आयातिन बय खुली निशानियाँ वाज निशानियों में से यानी हमने उनको कितनी ही वाज निशानियों में से कितनी निशानियाँ उनको दी वमन और जो कोई युब दिल ने मातल्ला ही बदल दे अल्लाह की नमत को मिन आदि, इसके बाद माँ जा आ गई उनके पास तो जो बार आके इन्ही इन्ही के, के दिन के बारे में इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करते थे और उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें और मुसलमानों को बहकाना और ये वो सारा कुछ हम पढ़ पढ़ रहे हैं पीछे तो नबी करीम वसल्लम से कहा गया कि उनसे ज़रा ये तो पूछें कि अल्लाह तुम पर कितनी निशानियां नाजल कहीं तुम पर तुम कितने वाज़े दलाइल और वाज़े निशानियों के साथ हदायत हदायत तुम तक पहुँची ये सारी बातें ज़रा, ज़रा उनसे तो पूछें अब हम पीछे पड़े हैं कि अल्लाह ततने एहसान भी किए अल्लाह ततनी बनी इसराइल पर उनके ऊपर कितनी निशानियाँ भी वाज कें कि वो हदायत ले आएँ कि वो ये यकीन कर लें कि ये जो हक है अल्लाह की तरफ से जो भी नबी आ, आ रहे हैं और जो किताबें उनके पास आ रही हैं वो हक हैं उनके बावजूद वो विल ने ही उसके बावजूद जो अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे यानी कि जो अल्लाह ताला ने उनका इनामात किए उनमें से बड़े इनाम वो ये हैं कि उनको उनके लिए हदायत और खुली निशानियाँ उनके सामने वादे कर दी उनको नबी और रसूल उनमें भेजे और उनके ऊपर किताबें भेजी और उनको किताबें दी ये सबसे बड़ी नेमतों में से बहुत बड़ी नेमतें है ये हैं कि अल्लाह ताला हदायत दे अल्लाह ताला वाजे तौर पर निशानियाँ बयान कर दे या खोल कर निशानियाँ जो हैं वो वाजे कर दे और नबी और रसूल भेजे और किताब भेजें जिससे और रहनुमाई हासिल की जा सकती है और जिससे अपने मामले जो दुनिया और आखरत के वो सुधार सुधारे जाते हैं तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी निशानियां खुल, खुल आ जाने के बावजूद अगर कोई वो उनको बदल देता है अगर कोई उनसे इहराफ करता है अगर कोई उनसे मुंह मोड़ता है तो उसके लिए है फाइन अल्लाह शदीदुल्खाब तो अल्लाह ताला सख्त आजाब भी रखने वाला है सख्त सजा देने वाला भी है अल्लाह सख्त सजा देने वाला है भी है उन लोगों के लिए जो उस सजा के मुस्तक हो जाते हैं जुना इंतहाई अहम यहाँ पर एक निशानी या एक बात हमारे लिए वादे होने जा रही है ना जुना कर दी गई जीनत बना दिया अगर सजा दी गई लिल्ला ला उन लोगों के लिए कफ़ारू जिन्होंने इनकार किया ये कफारू का मतलब मैं अक्सर इनकार करता हूँ क्योंकि हमारे उर्दू जबान में ख़ास कर समझा जाता है कफ़ारू जिसने कुफर किया या वो जो शिरक करने वाले और जो बुतों को पूजने वाले उनको ही आमतौर पर काफर कहा जाता है या समझा जाता है या जब भी काफर का लफ्ज़ सामने आए तो हमारे माइंड में वही एक इमेज बन जाता है नहीं ये है जिन्होंने कुफर किया जिन्होंने इनकार किया और इनकार करने वाला मुशरक नहीं इनकार करने वाला मोमन भी हो सकता है मुसलमान भी हो सकता है मोमन मैंने इसलिए कहा कि जो जिसने जाहरी तौर पर कलमा पढ़ लिया वो इस्लाम में दाखिल है और वो मोमन अपने आप को कहता है लेकिन कुफर करने वाला वो है जो इनकार करता है जो अल्लाह ताला के किसी भी अहकाम इन, का इनकार करता है जैसा कि बहुत मशहूर है कि जिसने जानपूझ कर नमाज तरक्की उसने गोया कुफर किया तो इसलिए कुफर का मतलब हमेशा हमें अपने जहन में इनकार करने वाला ही लेना चाहिए ताकि हमें ये वाजे रहे हमारे ऊपर कि इसमें खुदाना खास्ता कुछ हम, हम जैसे लोग भी शामिल ना हो जाए तो मुजन कर दी गई उन लोगों के लिए जो कुफर करते हैं जिन्होंने कुफर किया जिन्होंने इनकार किया अल्लाह के हुक्म के हुक्म का इनकार किया हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी को उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया मुजिन कर दिया गया जीनत बना दिया गया खुशनुमा कर दिया गया वह यश खरूना और वह मजाक करते हैं मिनलाजीन आमन उन लोगों से जो ईमान लाए वल्लाजीना और जिन्होंने किया फोक वो ऊपर होंगे होंगे उनके योम कियामत के दिन वल्लाहु और अल्लाह यर्ज को रिज्क देता है मनय जिसे चाहता है बगैर हिसाब बगैर हिसाब के अब यहाँ पर अल्लाह तमारे माशरे के लिए हमारे माशरे में होने वाली चीज़ों में से एक इंतहाई अहम जो नुकता है या एक इंतहाई अहम जो पहलू है उसको उजागर कर दिया और वो न सिर्फ़ हमारे माशरे में हमसे पहली उम्मतों पर भी यही कुछ होता रहा वो क्या है जुयन कफ़रहत कफ़र हयात दुनिया वो लोग जो अल्लाह की हदायत का इनकार करते हैं अल्लाह के अहकाम से रुर्दानी करते हैं वो जन दुनिया के ही मालो मत के पीछे भागते हैं और सिर्फ दुनिया को ही अपना सारा कुछ समझते हैं और दुनिया हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकाम की रूगरदानी करते हैं दुनिया हासिल करना उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें उसमें दुनिया की मालो दौलत भी आ जाती है उसमें इज़्ज़त इज़्ज़त भी आ जाती है उसमें उसमें जो माशरे में मुकाम है वो भी आ जाता है माशर्ती जो बहुत सारे खुराफात हमारे अंदर कायम हैं वो भी आ जाते हैं कि अल्लाह की जो अहकाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सन्नतें हैं उनको छोड़कर दुनिया के जो खुराफात हैं और दुनिया के गैर जरूरी रस्में जो हैं उन पर अमल किए जा रहे हैं और उनमें दिखावा बहुत है उनमें ग्लैमर भी बहुत है जो जीना मजिन कर दिए गया यानी जीनत बना दिया गया बहुत खुशनुमा कर दिया गया बहुत अट्रैक्शन रख दी गई उन लोगों के लिए ये आपको आवाज आ रही है मेरा नेट शर्ट डिस्कनेक्ट हो गया था हेलो जी शफीक साहब आवाज आ रही है मेरा ख्याल है कि नहीं जी जी ठीक ठीक आ रही है है बीच में वापस आते हैं तो पर जिक्र हो रहा था कि कि वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया जो कुफर करते हैं जो अल्लाह के रू गर्दानी करते हैं उनके लिए दुनिया जो है उसको मजियन कर दिया गया इस दुनिया को बहुत खूबसूरत और हसीन बना दिए या उन लोगों को ये दुनिया इतनी हसीन और खूबसूरत लगती है कि वो सिर्फ इसी में बहते बहकते रहते हैं दुनिया ही हासिल करने के लिए बहते रहते हैं और वो क्या करते हैं वस् खरूना और वो मजाक करते हैं मिनल लजीना आमन जो ईमान लाए जो सही मन लोग हैं जो ईमान पर कैम रहने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के अहकाम की को पूरा करने की कोशिश करते हैं उनको वो उनका मजाक करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं और ये बहुत कॉमन है हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन है जो जरा से नमाजें पढ़ने लग जाए और उसने दाढ़ी वाड़ी रख दी उसको कहते हैं कि यह तो मोलवी हो गया ठीक है तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है जो हमें कुरान में खुल खुल कर हमारी हसलतें जो हैं वो वाजे हो रही हैं यहाँ पर कि वो उन लोगों को जो ईमान लाए उनके साथ वो मजाक करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं वल्ला जी और बल्कि वो लोग तो जिन्होंने तकवा अख्तियार किया जो अल्लाह से डर गए जो जो सही मानों में ईमान ले आए वो लोग क्या हैं फोक हम हुं, ऊपर होंगे वो ऊपर होंगे योमल क़ियामती क्यामत के दिन क्यामत के दिन उनका मुकाम आला होगा उन लोगों से जो दुनिया के पीछे भागते रहे वल्लाहु और अल्लाह यर्ज को रिज्क देता है और अल्लाह वो चाहता है के। और आयत में और खास कर इसके पीछे जो आयत का हिस्सा है पहला हिस्सा उसमें दो तरह के जो बातें कही एक तो वो लोग जो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और दुनिया के लिए अल्लाह के अहकाम का इनकार करते रहते हैं और उनके खूबसूरती तो नजर आती है कि वो दुनिया को छोड़ते नहीं और आखिरत की तरफ ध्यान नहीं करते और वो बल्कि उल्टा ईमान वाले जो हैं उनके साथ मजाक करते हैं तो इनके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि, कि, कि तो बैरब के अल्लाह तला तो बगैर हिसाब के रिज देता है जिसे वो चाहता है अब ये रिस्क जो है ये दो तरह का है पिछले कुछ आ, कुछ दिन पहले थोड़ा सा जिक्र हुआ था कि दुनिया में जो कमाना है जो कमाई करता है इंसान वो दो तरह की है दुनिया में जो कमाता है वो रिज्क है ना रिज्क का क्या मतलब है ऐसी चीजें हासिल करे जिससे वो अपनी जिंदगी को गुजार सके अच्छे तरीके से गुजार सके जिसके पास जितना खुला और जितना वसी रिज होगा वो इतना ही ज़्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है इतना ही ज्यादा दुनिया के मज़े लूट सकता है ज़ाहरी तौर पर रिज्क यह है और इंसान दुनिया में क्या कमाता है रिस्क कमाता है ये उसके साथ ही मैं अटैच करना करूँगा क्योंकि ये इसमें दोनों पहलू वाजे हो, होने चाहिए हमारे पास कि दुनिया में जो इंसान कमाता है जो कोशिश करता है जो रिस्क लेता है वो दो तरह का हो सकता है एक वो जो सिर्फ उसे दुनिया कमाने के लिए या दुनिया गुजारने के लिए मिलता है और दूसरा वो जो रिस्क जो माल जो कसब करता है जो इकट्ठा करता है वो आखरत के अकाउंट में अपने अपने एक हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना हुआ है जिसमें अल्लाह ताला जो है जितने नेकियां और गुनाह जो है वो उसमें डाल रहा है और वो अकाउंट जो है उसका हिसाब किताब होगा क़्यामत के दिन और उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिला और हमारा क्या लॉस हुआ वो सब कुछ उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर रिस्क भी दो तरह के हैं एक वो रिस्क जो दुनिया के लिए दुन, उन लोगों के लिए जो सिर्फ दुनिया ही हासिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला तो भी जितना वो चाहते हैं या जितना अल्लाह उनको, उनको, उनको खुली छुट्टी मिल जाए गुमराह ही रहे हैं वो कुछ सोचते ही नहीं कि अल्लाह के अहकाम की तरफ भी कुछ लौटना है या अल्लाह के अहकाम या नबी केसल्लम की के सुनत जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा अमल है बस वो दुनिया के बहकामों में बहकते जा रहे हैं तो उनके लिए भी जिस तरह से वो चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी रिस्क जो है वो कुशादा करता जाता है उसके बरस जो दीन के ऊपर कायम रहते हैं और दीन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी रिस्क जो है वो खोल रहा है और जितना वो चाहे वो अल्लाह ताला उनको रिस्क अता कर दे यानी जितनी खुली ढील चाहे अल्लाह ताला उनको दे दे जो जो दुनिया में बहकते जा रहे हैं वो बहकते जाएंगे हालांकि उनके सामने सारा कुछ वाजे है हालांकि उनके सामने सारा कुछ बन है और जो अल्लाह पर ईमान लाकर उसके ऊपर अपने आप को कारबंद करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र और हिम्मत और तौफीक देता है वो भी उनमें आगे बढ़ते जाते हैं यानी अल्लाह का रिस्क इस तरफ भी जिसे वो चाहता है जितना चाहता है बढ़ा, बढ़ाता रहता है तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनको नेक रिस्क अता किया गया जो इस दुनिया में भी मुनाफा बख्श है और आखरत में भी हमारे लिए कार है अब आ जाए अगली आयत की तरफ कानन नासु उम्मतन वाहदन वाहिदतन थे लोग उम्मत एक ही अब पहले जिक्र हुआ था उम्मतन वसतन एक दरमियानी और मोतदल उम्मत ये जिक्र हुआ उम्मतन वाहिदतन वाहिदतन एक उम्मत एक ही उम्मत थे। फाबा फिर बेजा अल्लाह ने अन नबी जीना नभी को मुबशरीना खुशबरी देने वाले व वा मुनजरीना और डराने वाले बनाकर कर वह अनजला और नाजल किया और उसने नाजल किया नाजल की माहम उनके साथ किताबा। किताब किताब बिलहक के हक के साथ लिया कुमा ताकि वो फैसला करे बीना दरमियान बी नासिब दरमियान उन लोगों के फी मख्तल फ़ी है उस चीज में जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं या जिन उन्होंने किया, और नहीं अख्तलाफ किया उन लोगों ने जो ऊ तू जिनको दिया गया जो दिए गए थे माजात हूं इसके बाद जो आई उनके पास अलबय नात खुली निशानिया वादे निशानिया बगजन बेवज उनके जिद के उनकी बगावत के बीना हम आपस में फहदू तो हदायत दी अल्लाह ने अल्लाह जीना उन लोगों को जो आम ईमान लाए लिमा उसकी जो जिन इख्तलाफ किया उन्होंने फी ही इसमें मिनल हक की अप, अपने हुक्म से हक में से हक में से अपने हुक्म से

हज़रत आदम आम को जब पैदा किया गया तो हज़रत आदम भी नबी थे उनके पास भी अल्लाह का पैगाम था और उनकी औलाद जो है वो आदम ही के दिन पर थी आदम ही के दिन जो ने जो उनको बयान किया वही उनका मज़हब था यानी वो सब एक ही उम्मत थी सब एक ही उम्मत थी और हमें यह भी पता है कि जन्नत से जिन लोगों को निकाला गया जिनको निकाला गया उसमें आदम और हवा के साथ शैतान भी था ठीक है तो जिनको जमीन पर उतार दिया गया अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद आगे नस्ल बढ़ी वो तो एक ही उम्मत थी आपस में सब बहन भाई थे आपस में आपस में उनके मसारे माशर्ती मामला चल रहे थे और आपस में ही जैसे ही इबादत के तरीके थे और जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया वही उनकी आगे नसल में बढ़ता जा रहा था और एक ही एक ही उम्मत थी एक ही कौम के तौर पर थे सब फिर उनमें आस्ता आस्ता से फूट पड़ना शुरू हो गई जैसे हबील और काबिल का वाक्य जो है वो तो सब ने यकीन सुना रहे सुना रहा होगा कि वो सबसे पहला गुनाह समझा जाता है कि हबील और काबिल के दरमियान जो झगड़ा हुआ और पहला कत्ल जो है वो वो भी उसमें हुआ तो बहरहाल शैतान जो है वो अपने हरबे इस्तेमाल करता रहा और बिल बराहर उसको कामयाबियां मिलने शुरू हो गई तो लोग जो हैं जो पहले एक उम्मत थी अब वो बिखरना शुरू हो गए उनमें अः बेरा रवियाँ भी शामिल हो गई उनमें शैतान के बहकावे की वजह से अः मतलब कुफर शिर्क जो है वो भी आना शुरू हो गया इनकार जो है करने वो भी शामिल हो गया नफसा नफ्सी जो है वो भी शुरू हो गई उसमें तो पहले तो एक ही उम्मत थी लेकिन बाद में उनमें फूट पड़ गई बाद में उनमें अः बेरा रवैया शामिल हो गई ठीक है तो उसमें फिर क्या हुआ फिर उसके बाद फब आशा फिर भेजा अल्लाह अल्लाह तला ने नबियों को फिर अल्लाह तला ने उन, दर, उन लोगों के दरमियान नबियों को भेजा जिसको हमने बार बार तस्करा देखा पिछली आयात में नबियों को भेजा मुबीना वो नबी जो आए वो क्या करते थे मुबीरियाना उनको खुशखबरी देते थे खुशखबरियां देने वाले यानी जन्नत की वो बिशारतना और डराने वाले यानी वो दोजक से डराते भी थे यानी अपने दीन जो हक है जो अल्लाह ताला ने उनके साथ उन पर वादे किया था उसको वो बयान करते थे और उसको बयान करके वो जन्नत की खुशबरियाँ भी देते थे उन लोगों को जो उन कौम को और दो भी देते थे यानी सारी इंफॉर्मेशन वो उनको पहुंचाई जाती थी वो अनजला किताब 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 यहाँ पर एक जिन्स के तौर पर है किताब जैसे बुक कहते हैं तो सो, उन नबियों उन को किताबें भी दी उन नबियों को उनके साथ उन किताबें भी दी बिलहक की हक के साथ जो किताबें जो हक पर कायम थी नासी ताकि वो लोगों के दरमियान अदल कर सकें इंसाफ के साथ फैसले कर सकें अब वो किताबें जो हैं वो हमत से भरपूर थी उनमें जो अहकाम और उनमें जो जिंदगी गुजारने के तरीके और मुख्तलिफ पहलुओं पर इंसान के लिए हदायत थी वो इसलिए थी कि वो ताकि वो हक के साथ लोगों के दरमियान फैसला कर सकें किस में फैसला करें फी मी मख्लफी उसमें जिसमें वो अख्तलाफ करते हैं अब दुनिया के मामलों में भी लोगों में इख्तलाफ होता था और दीन के मामलों में भी कुछ ना कुछ अख्तिलाफ रहता था तो किताब को रुझू करके या किताब से रहनुमाई हासिल करके वो वो इंसाफ के साथ उन लोगों के साथ फैसले कर सकें व मख्लफा फी हीजीना ऊ तो और नहीं अख्तिलाफ किया उन्होंने मगर वो लोग जिनको दिया गया तो जो दिए गए मिमबादी माजात बतु खुली निशानियाँ और ये तो वही लोग थे जो इख्तलाफ करते थे जिनके ऊपर खुली निशानियां अल्लाह ताला ने भेजी यानी वो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर वो लोग जिनके ऊपर खुली निशानियां भेज दी गई यानी वो लोग जो जिन जो इख्तिलाफ़ करते थे आपस में हालांकि वो तो ऐसे थे जिनके पास अल्लाह ताला ने खुली निशानियां भेजीं अब वो खुली निशानियां नबियों रसूलों की शक्ल में हैं किताबों की शकल में हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसी निशानियां जो अल्लाह ताला ने उन पर ऊपर वाजे कर दी जैसे बनी इसराइल को हम अगर देखें तो बनी इसराइल के ऊपर तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी वादे निशानियां वादे दलाल जो इवन के उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह ताला को अपनी खुली आपकी नंगी आंखों से देखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने तो उनको वो भी एक नजारा करा दिया कि तुम तो अल्लाह को तो देख ही नहीं सकते और वो पहाड़ के ऊपर झुलस गए थे और फिर उनको दोबारा जिंदा किया गया वो एक और निशानी उनको दिखा दी उनको फिरौन से फिरौन से निजात हासिल की उनके लिए मनोसलवा उतारा उनके लिए फिर उनकी ही ख्वाहिश के मुताबिक खेती बाड़ी के निजाम जो है वो उनको सिखाया तो अल्लाह ताला ने जब बहुत सारी खुली निशानियाँ उनको भेजीं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इख्तलाफ किया उसके बावजूद अल्लाह ताला ने जो उनको उनको बयान किया उनके रसूलों के जरिए उनको खुशबरियाँ दी और उनको डराया और उनको किताबें नाजल की उस सब में उन्होंने अख्तलाफ किया तो अख्ताफ उन्होंने ही किया जिनको सारी खुली निशानियाँ जो हैं वो वाजे कर दी गई अब वो अख्तिलाफ़ करने की वजह क्या थी बेबजा बघय बेवजह जिद के यानी वो जिद्दी थे वो अपने जो गुमराही थे उसी पर अड़े रहे वो जिद थी वो उसमें ही वो आगे बढ़ते गए अब उस जिद में एक मिसाल छल की सी मैं अगर लू तो अब जैसे यहूदी जो है वो ईसाइयों को नहीं मानते थे ठीक है अब यहूदी जो है उनका भी मजहब तो बेसिकली वही है कि इस्लाम यानी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना अल्लाह को वाहद ला शरीक ला शरीक मानना और उसने जो किताब नाजिल की उसको मजबूती से पकड़े रखना और नबी जो भेजे उनकी हदायत पर अमल करना यही यहूदियों के लिए था यही ईसाइयों के लिए था लेकिन वो आपस में भी इख्तिला करते रहे वो आपस में भी एक दूसरे को एक दूसरे की तकजीब करते रहे ठीक है तो वो एक जिद पड़ रहे आपस में अब ये जिद आपस में एक ही कौम की आपस में भी हो सकती है और मुख्तलि मजाहब की भी एक दूसरे के दरमियान हो सकती है तो अल्लाह फहदाह ने अल्लाह फ्लाह ने अल्ला जीना आमन उन लोगों को जो ईमान लाए लिमख तलफु उसकी उन्होंने इख्तलाफ किया इसमें मिनल हक के हक में से बेजनी ही अपने हुक्म से अब उन लोगों में से जो ईमान लाए जो अख्तलाफ करते थे जो जो लोग वो लोग जिन्होंने अख्तिलाफ किया उन्हें में से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को हदायत दी उन लोगों को हदायत दी और वो ईमान लेके आए जिन्होंने हक को पहचान लिया जिन्होंने हक़ को पहचान लिया अल्लाह के हुक्म से बेज नहीं उसके अपने हुक्म से यानी अल्लाह अल्लाह के हुक्म से तो जो अख्तिलाफ करते थे उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और जिनको जिनको ताला ने ईमान की रोशनी से मनवर किया और वो हक को पहचान गए वो अल्लाह ताला की हदायत पर आ गए या जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत को पकड़ लिया वल्लाहु और अल्लाह यह दी हदायत देता है मन यशाऊ जिसे वो चाहता है जिसे चाहता है अल्लाह ताला उसे हदायत देता है अब इसका मतलब ये नहीं कि आम पर यह समझा जाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे हिदायत मिलती है अल्लाह ताला ने सबको खुली निशानियां वाजे तौर पर बयान कर दी लेकिन उनमें से जो अल्लाह ताला की हदायत की तरफ आना चाहते हैं उसके लिए तो अल्लाह ताला खोल के हदायत जो है उनके सामने रख देता है और वो मजीद हदायत में ही आगे बढ़ देते हैं जिस तरह गुमराह लोग जो हैं वो अपनी गुम गुमराहि में जालिम लोग अपनी अपनी त में ही आगे बढ़ते जाते हैं वो जिद पर अड़े रहते हैं इसी तरह जो हदायत हासिल करना चाहता है वो अल्लाह की तरफ रुझू करते हैं तो अल्लाह तला उनको और भी ज्यादा यानी वो हदायत में भी आगे बढ़ते जाते हैं और अल्लाह तला उनको हदायत भी उनके उनकी उनकी जो रहनुमाई है अल्लाह तला की उसमें भी उनको आगे बढ़ाता जाता है वो हदायत क्या है इला सिरात मुस्तकम सीधे रास्ते की तरफ सीधे रास्ते की तरफ जो हदायत है अल्लाह ताला जिसको चाहता है जितनी चाहता है जब जो हासिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर हदायत के रास्ते भी खोल जाता है सीधे रास्ते की तरफ और वो उसमें आगे बढ़ते जाते हैं यानी हम अगर अपने माशरे में देखें तो हमें ये दोनों तरह के लोग नजर आएंगे जो दुनिया प्रस्त हैं वो दुनिया में ही आगे बढ़ते जाएंगे वो मालो मता को ही सारा कुछ समझते जाएंगे ठीक है और पिछली आयात में ये भी बहुत वादे है कि कुछ ही एहकाम को आसान जो तो आसान है उसी को अपना लेना ही काफ़ी नहीं इस्लाम में तो इस्लाम में दाखिल होने का मतलब इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना है। और जो इस्लाम में दाखिल होता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह की तरफ कोशिश करता है तो वो अल्लाह की तरफ अल्लाह की रहनमाई और अल्लाह की हदायत की तरफ ही बढ़ता जाता है तो इस तरह के दोनों तरह के लोग हमें अपने माशरों में मिलते हैं तो अल्लाह ताली हमें जो सुना समझा उसको उसको, उसको उसको उस पर ऊपर अमल करने की तो फ़ीक़त फ़रमाए सुबह नबिक रब्जती अम्मा यूसिफ़ुन वसलामुरसलिन वहमदिल्ला रबीआलम सुबह नकल हमदी का शजुनता अस्तक तो यहाँ तक आज हमने देखा कल की आयत जो है वो आयत भी नहाय अहम नहायत अहम आयत है और ये आयतें जो हमारे सामने आ रही हैं ये हमारे ही माशरे की अक्सी करती हैं बेशक उनमें पिछली कौमों के साथ मुशाबत या पिछली कौमें जो हैं उनका भी तस्करा या उनके साथ सवाल या उनके हालात भी बयान किए जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला वो हमारे सामने खोल कर इसलिए रख रहा है कि हम मुना करें अपने मुआरे का और अपने आप का और उस मुआजने में हमें अगर कोई ऐसी चीज़ें मिलें जो कॉमन है जो पिछली कौमों की जो गुमराहें थी उसमें और आज हमारी आज की ज़िंदगी में जो कॉमन है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे दूर हटें और इसी तरह कल जिक्र होगा कि पिछली कौमों में से कि सारे लोग गमराह नहीं थे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हदायत दी अल्लाह ताला ने जो हदायत पर थे और जिन जिन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की अपने दीन पर कायम रहने के लिए तो इसका जिक्र कल होगा इन तो अल्लाह सीधे रस्ते पर हमेशा कायम रहने की हिम्मत और तफी तय फरमाए तो मौलवी हरा, जो हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी है उनसे कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाए तो लोगों की नजरों में दाढ़ी रखी हुई देखो क्या काम कर रहा है तो जिसकी दाढ़ी नहीं है जिसके आम सा बंदा है वो जो मर्जी करता है उस उसको वो वो शैतान उनके लिए लाता तो शैतान जो है वो के तो दीन पे चलने वाले उन्हीं को ये कि देखो ये क्या कर रहा है हालांकि उसकी बेचारे की नीयत भी होती तो मिलने को कोई भी अगर की चीज आ जाए तो लोगों को देखो ये क्या करने लगा है। तो ये करके लोगों, लोगों में डालता है कि देखो ये दाढ़ी इतनी रखी हुई है जनाब दाढ़ी देखो कितनी बड़ी है तो देखो काम इसके देखो सुब्हान अल्लाह माफ फरमाए आपसे बताए तो हमें हमेशा आ, आ, सोच रखनी चाहिए हर एक के लिए इंशाल्लाह तो अल्लाह तआ हमें माफ वर हम, हम सब गुनहगार हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दुराएं तो हमें तो बहुत सारी निशानियाँ अब मैं थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी भी कर रहा हूँ कि कुछ वाज आयात हैं वाज निशानियाँ हैं वाज बातें हैं और बहुत तफसील से पहले जिक्र भी गुजर चुका है तो तो अगर हम थोड़ी सी तहकीक करके अपने इर्द गिर्द नजर दुलाएँ तो हमें बेशुमार बंदे ऐसे मिल जाते हैं अल्लाह ताली हमें माफ़ कराएँ और अल्लाह तला हमें नेक में करे और जो बंदे ऐसे हैं अल्लाह तौला उनको भी हदायत नसीब फरमाए आमीन यकीन मान रहे कि अब लोग ऐसे दीनी बंदों को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये ये और ही पता नहीं कैसे मैंने नहीं कि उसके उनकी फीलिंग ऐसी होती है ये ये, ये ये अच्छे नहीं बंदे ये मैंने नहीं कि अच्छे ही नहीं बन रहे हाँ यकीन यहाँ पे मैं यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे लोग मुझे देखो ये मीनिक कितना शतान है उनको पेश करता है उनके साथ